तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करके उसके ऊपर बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम HTML के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पिछली बार हमने टेबल पे बॉर्डर्स लगाना सीखा था, तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको कर लेता हूँ सेव। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और यहाँ पर इस हेडिंग को भी हम चेंज कर देते हैं। अब एक नॉर्मल लिस्ट टाइप करने के लिए हमें जो टैग यूज करना है वो टैग है UL। ये हमारा लिस्ट का जो टैग है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे जैसे हमें लिस्ट में जो भी आइटम डालनी है उनको हम LI के थ्रू डालेंगे लिस्ट आइटम। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 लिस्ट बना लिए। तो यहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स के नेम डाल देते हैं, जैसे कि तो मैंने यहाँ पे अलग अलग 5 आइटम्स ले लिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखोगे यहाँ पे मेरे पास लिस्ट बन के आ चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी डिसऑर्गेनाइज है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो हमने इसको सेंटर टैग के अंदर लिया है, तो इसको हम सेंटर टैग से बाहर ले लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिख सके। तो हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है अभी, और हमें जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं इनका स्टाइल चेंज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको हमारे UL टैग के अंदर स्टाइल को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टाइल इक्वल टू, और ड्यूल कोट के अंदर लिखेंगे लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप। उस कॉलम के बाद हमें टाइप यहाँ पे डाल देना है, जैसे हमें यहाँ पे सर्कल चाहिए, उसके बाद सेमी कॉलन और कोटेशन मार्क को कर देंगे क्लोज। उसके बाद इसको सेव करके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे बुलेट पॉइंट्स थे उनका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। अभी अगर हम इसको सर्कल के जगह पे स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे इनका स्टाइल जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इनका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। वहीं पे अगर हमें बुलेट पॉइंट की जगह नंबर्स चाहिए तो उसके लिए हमें UI टैग की जगह यहाँ पे हमें टाइप करना है OL के टैग के अंदर हमें स्टाइल ऐड करना है, स्टाइल इक्वल टू 1। इसको हम कर लेंगे सेव। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारे पॉइंट्स थे उनकी जगह नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप बुलेट पॉइंट और नंबर्स इसमें ऐड कर सकते हो।